नमस्कार फिटर फ्रेंड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिटर की एग्जाम में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िए मेरे साथ मिलके। मैं आपके सामने ये एक स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शित करूंगा, तो आप इनको बड़े ही ध्यान से देखना। इस टॉपिक को मैं आपके सामने के क्वेश्चन रखूंगा और मैं आपके सामने एक दावा कर सकता हूं कि इन जो क्वेश्चंस को बता रहा हूं उसमें से 90% क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है वो भी मिलते रहे। इसके साथ ही मेरे वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिए। ला दोस्तों आप बाद में भूल जाते हैं और इसे लाइक नहीं करते, तो अभी लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है, यानी आपके पर्सनल से संबंधित आगे है कि खुद से संबंधित। क्या आपकी खुद की सुरक्षा कौन सी है? मैं आपके सामने चार ऑप्शन रखने जा रहा हूँ। पहला है मशीन को साफ रखेंगे, बी है अपने काम पर ध्यान देंगे, तीसरा गैंगवे और पर्स को साफ रखेंगे, और चौथा है टूल को उसके उचित स्थान पर रखेंगे। तो खुद से है तो काम कर रहे हो तो क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने काम पर ध्यान दोगे। काम पर अगर ध्यान नहीं दिए तो चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए जब भी काम करो अपने काम पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दूसरा आपके सामने एक सिंबल आपके सामने आया हुआ है। इस सिंबल में एक ट्राइंगल से बना हुआ, और सिंबल्स को आपको एक प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि आप ये सिंबल अगर कहीं देखो तो वो आपके सामने क्या प्रदर्शित कर रहा होगा। तो चिंता नहीं करना क्योंकि ये जो सिंबल है वो मैं बता देता हूँ, वो जो सिंबल होता है ये स्टॉप को प्रदर्शित करता है, यानी किसी चीज़ को रुकने का प्रदर्शित कर रहा है कि आप रुक जाओ, रोक दो उस चीज़ को। तो वो स्टॉप का चिन्ह है जो ट्राइंगल शेप से प्रदर्शित करता है। ये चीज़ आप नोट करते जाना, या इसमें भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आप इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है, यानी फ्लेमेबल और लिक्विडिबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, यानी जो जो आपका ज्वलनशील जो लिक्विड ठोस है वो किस क्लास की आग में वर्गीकृत किया गया? ए क्लास की, बी क्लास की, सी क्लास की, या डी क्लास की? तो जो इसका आंसर होगा, वो क्लास बी प्रकार की आग के लिए लिक्विडिबल ठोस को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बी क्लास की आग होगी, उसमें बुझाने के लिए जो ज्वलनशील लिक्विडिबल ठोस होता है उसी में वो लिक्विडिबल ठोस से ही बुझाई जाती है, बी क्लास की आग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी, यानी शीघ्रता से आपको तुरंत पहला उपचार कौन किससे देते हैं? आपको तुरंत उपचार का नाम समझते ही आप समझ गए होंगे, बहुत इंटेलिजेंट है वैसे तो, मुझे पता है फिटर के हो आप बच्चे। तो इसका उत्तर जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा। जो आप देखना कभी भी किसी को चोट लगती है तो आपके घर में भी फर्स्ट एड बॉक्स होगा, किसी डॉक्टर के मेडिकल बॉक्स में भी, आपकी फैक्ट्री में भी, या आप जहाँ भी काम कर रहे हैं छोटा मोटा वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है। तो सबसे पहले उसी फर्स्ट एड बॉक्स से उसको प्राथमिक उपचार दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, फर्स्ट एड। यानी तो इसमें चिकित्सक को तो अपन बाद में बुलाएंगे और गहन देखभाल भी अपन बाद में करेंगे, चिकित्सक उपचार भी अपन बाद में करें, पहले तो अपन फर्स्ट एड देंगे ना कि उसको तुरंत किस चीज़ से मतलब आवश्यकता है, सांस देना है, हवा डालना है, या उसको मतलब रेसिप्रोकेटिव सिस्टम से उसको जीवन देना, कैसा देना है, वो फर्स्ट एड में ही आता है, प्राथमिक चिकित्सा में ही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सिंबल फिर आ रहा है कि इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए। अब आपको इस चेतावनी प्रतीक के बारे में बताना है कि ये कौन सा चिन्ह है, तो मैं आपके सामने वो चिन्ह ला रहा हूं, आप उस चिन्ह को देखिए, ये वाला सिंबल दिख रहा होगा आपको, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? आप ध्यान से देखिए और बताइए किसका सिंबल है। ये स्कूल का है, सुरक्षित का है, अनगार्डेड का है, या पैदल चलने वाले के लिए मार्ग का है? किसका सिंबल है ये आपको इसके बारे में बताना है। तो मैं बता रहा हूं ये जो सिंबल है वो आपके सामने जो दिया है वो अनगार्डेड चीज को लिए बताया गया है, कि ये जो चीज़ है वो अनगार्डेड है, यानी मतलब कवर नहीं की हुई है, उसी को ये चीज़ दर्शा रहा है कि आप इसको ढक दो। तो ये अनगार्डेड सिंबल के लिए ये चिन्ह दर्शाया गया है। इसमें स्कूल के लिए भी नहीं है, स्कूल का होती तो अलग ही होता है, बच्चे भागते वक्त सुरक्षित होता तो एक दूसरा सिंबल होता, पैदल चलने वालों के लिए आगे आएगा, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर होगा अनगार्डेड होना किसी वस्तु को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि लकड़ी की आग, कागज़ कपड़े के कारण लगी आग
किस क्लास के अंतर्गत आती है, यानी जो आपकी कार्बन पदार्थ की आग होती है किस पदार्थ के अंतर्गत आती है, कार्बन वाली आग, समझ रहे हो, सारे कार्बन पदार्थ है। तो वो जो क्लास की जो आग होती है वो हमेशा क्लास ए में आती है, क्लास बी में आती है, क्लास सी में आती है, क्लास डी में आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो आग होगी वो क्लास ए प्रकार की आग होगी, ठीक है। कार्बोनेशियस पदार्थ की आग हमेशा होती है वो ए क्लास की आग होती है, ये कार्बन से छोटे छोटे कार्बन से बने पदार्थ इसलिए क्लास ए में आता है, ये याद रखने वाली चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरो मिथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र, यानी आपके सामने दो है, दो आपके सामने केमिकल से भरे हुए एक अग्निशामक यंत्र होता है, वो कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है उसका आपको नाम बताना है। तो ये जो होगा ये कार्बन जो होगा वो हेलोन एक्सटिंग्विशर के अंतर्गत आता है, इसका आंसर होगा बी वाला, यानी हेलोन एक्सटिंग्विशर, इसमें सेवन में जो उत्तर होगा वो हेलोन एक्सटिंग्विशर इसका उत्तर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा, फोम एक्सटिंग्विशर का नहीं होगा और ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का भी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा हेलोन एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा, इसमें जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, यानी अब यांत्रिक समझ रहे हो मैकेनिकल के आ गया, क्योंकि व्यावसायिक खतरों के लिए अंतर्गत आता है कि शोर होता है तो वो तो नहीं होता है, विषैला या जहर वो भी नहीं होता है, एक्सोसर एनर्जी वो भी नहीं होता, अनगार्डेड मशीनरी ये यांत्रिकों में आती है क्योंकि मशीनरी मैकेनिकल में आती है, तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर आप कर सकते हैं डी, यानी अनगार्डेड मशीनरी के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने नौवां क्वेश्चन आपके सामने कि घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे, पट्टी बांधोगे, मलहम लगाओगे या उस घाव पर टिंचर लगाएंगे या घाव पर दबाव देंगे। अभी तीनों तो नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ब्लड बह रहा है तो आप उस पट्टी से भी नहीं रोक पाओगे, आप उस पर टिंचर से भी नहीं रोक सकते और आप उस पर मलहम से भी नहीं रोक सकते, तो आप उसको सिर्फ दबा सकते हो अपने हाथ से, उस ब्लड को पहले आप उसको दबा के ही उसको आप रोक सकते हो, तो इसका आंसर होगा डी, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला आता है इस चिन्ह का नाम क्या है, अब फिर से आपके सामने एक सिंबल वाला आया है कि इस चिन्ह के बारे में आपको बताना है कि ये सिंबल है वो किस चिन्ह को दर्शा रहा है। अब आपके सामने देख रहे हो एक आदमी है और वो पैदल चलने की बात कर रहा है, तो ये आप अब देख के इसको समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार के सिंबल को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आदमी पैदल चल रहा है तो ये आप समझ ही गए होंगे ये स्कूल को दर्शाता है, सुरक्षित को दर्शाता है, अनगार्डेड को, पैदल चलने वाले मार्ग को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है वो पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वाले मार्ग को दर्शाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आग लगने के तीन कारक क्या होते हैं, यानी आग जो लगती है वो क्यों लग जाती है, इससे क्या होता है कि आग लग गई, अगर ये तीन कारक नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी, तो वो आपको बताना है। पहला मैं आपके सामने रख रहा हूँ ऑप्शन ईंधन उष्मा ऑक्सीजन, दूसरा रख रहा हूँ ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, तीसरा रख रहा हूँ उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और चौथा है आपका ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड या उष्मा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन तो ज्वलनशील नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती है और नाइट्रोजन भी नहीं होती है, तो पहला होगा मैं, क्योंकि ऑक्सीजन होता है वो क्या कहता है आग जलाने में सहायक गैस होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा वो ए होगा। इसमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ईंधन की, उष्मा की और ऑक्सीजन की, जब ये तीनों चीज़ें कहीं एक जगह मिल जाती है तो वहाँ आग निश्चित तौर से लगेगी, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी तीनों को एक साथ नहीं होने देना है और आग से हमें प्रिवेंट करना है, सुरक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, गोल्डन आवर्स यानी जो एक आपके लिए गोल्डन आवर्स किसको बोलते हैं कि सुनहरा अवसर बोल सकते हैं जिसको, कि ये सुनहरा अवसर था उस समय मैं कर लेता तो ये हो जाता, इस बारे में पछताना ना पड़े, तो वो होता है गोल्डन आवर्स। तो इसमें मैं बोलता हूँ घटना के पहले 30 मिनट, फिर दूसरा आता है पहले 30 मिनट, प्रवेश के पहले 45 मिनट या उपचार के बाद के पहले 60 मिनट, अब कौन सा होगा इसमें आंसर। तो मैं कहता हूँ घटना के पहले 30 मिनट होते हैं, यानी आग जैसे कोई दुर्घटना घटी और उसके जो 30 मिनट होता है वो उसके लिए बहुत ही गोल्डन आवर्स होते हैं, उसमें अगर उस व्यक्ति के लिए कुछ कर दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान निश्चित रूप से बच सकती है। तो इसका आंसर होगा कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी घटना हुई उसके जस्ट जो 30 मिनट जो हो रहे हैं, जो आधा घंटा बीत रहा है, वही आपके लिए गोल्डन आवर्स होता है उस आदमी की रक्षा करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसका 30 नंबर का कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना हो ही ना
ऐसा क्या कर सकते हैं कि दुर्घटना का कारण ही ना बने? कोई कारण नहीं होगा तो दुर्घटना होगी नहीं, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो मैं आपके सामने ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, सुरक्षा उपकरण पहनने, चीज़ों को अपनी तरीके से करेंगे, या सुरक्षा सावधानियों को पालन करेंगे, या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करेंगे। देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है, परंतु हमेशा जब भी दुर्घटना से बचना तो हमें किस नियमों का पालन करना चाहिए? सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। अगर आपने उनका पालन किया है तो दुर्घटना हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके अपन कार्यस्थल पर दुर्घटना रोकने का पहला कदम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक सिंबल आया है, आप देख सकते हैं एक सिंबल है जो ऑक्टागन टाइप का दिखा रहा है, तो बताइए ये किस चीज को सिंबल दे रहा है? ये स्टॉप ये तो नहीं होगा, अपने पहले देख चुके हैं, गिव वे रास्ता दे ये हो सकता है, पैदल चलने वाला ये भी पढ़ चुके हैं ये भी नहीं है, ओवरटेकिंग निषेध है, यानी ओवरटेकिंग निषेध, यानी आप किसी चीज को ओवरटेक यहाँ पे नहीं कर सकते हो उसको बता रहा है, तो ये किसका होगा? तो ये जो आंसर होगा वो बी का होगा, यानी रास्ता देने वाला होगा, यानी आप किसी भी व्यक्ति को इससे आप रास्ता आपको देना पड़ेगा, रास्ता दोगे तभी तो आप इससे, मतलब ये जब सिंबल आपके सामने हो तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए उस व्यक्ति को, या जो वस्तु है उसको जाने के लिए रास्ता है, सबसे पहले आप उसको फॉलो कीजिए जो सेफ्टी रूल है, और आप उस व्यक्ति को रास्ता दीजिए, तो आपका मतलब आप नियमों का सही पालन कर रहे हो तो दुर्घटना होने का संभावना जीरो हो जाती है, तो उस आप व्यक्ति को आप रास्ता दे, इसी को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, बेकार कागज अलगाव के डिब्बे का कलर कौन सा था? यानी जो कागज डस्टबिन में आप डालते हो, ठीक है, या अलग करते हो, उसके जो बीन्स होता है, जो डस्टबिन होता है, आपने देखा होगा उसका कलर कोड क्या होता है, जो कागज वो कूड़ा डालने के लिए होता है, बताइए कौन सा होगा? तो लाल होगा, नीला होगा, काला होगा, हरा होगा, आपने देखा भी होगा, तो आपको मैं समझ रहा हूँ आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो नीला होगा। आपने देखा होगा कहीं भी डस्टबिन दो टाइप के रखे होते हैं, एक तो हरा और एक नीला, आपके कचरा गाड़ी नगर निगम के भी लोग आते हैं, तो दो डब्बे रहते हैं हरा और नीला, तो आप किस में क्या डालते हो आपको पता है, सूखा होता है वो नीले में, गीला है वो हरे में, तो ये अपना बी ऑप्शन होगा इसका, यानी नीले में अपन कागज वागज को सब सूखे कचरे को डालने के काम में लेंगे। चलो ये अगला एक और सिंबल आ रहा है, ये रोड साइन किस तरह का है? यानी एक रोड साइन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आप देखिए, ये एक आपके सामने रोड सिंबल है, तो ये सिंबल ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, ये वाला सिंबल, ये किस प्रकार का सिंबल है? आपको इसका उत्तर पता, ये पुलिस सिग्नल को बता रहा है, सावधानी के संकेत बता रहा है, अनिवार्य संकेत बता रहा है, या सूचना का चिन्ह बता रहा है, ये कौन सा सिंबल आप बता सकते हो इसको? बताइए कौन सा सिंबल होगा ये? जैसे पहला है पुलिस सिग्नल, दूसरा सावधानी का, तीसरा अनिवार्य संकेत का, चौथा कौन सा है? सूचना का चिन्ह। तो बताइए कौन सा सिग्नल है ये? तो ये जो सिग्नल होगा वो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल होगा, यानी आपको सूचना दी जा रही है कि इधर पेट्रोल पंप है, इधर दिल्ली है, इधर दिल्ली है, इधर दिल्ली, ऐसे जा सकते हो, तो ये एक सिंबल है जो आपको बता रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, तो आप इसका उत्तर करोगे बी। ठीक है, इसका उत्तर आप करोगे बी। फिर अगला है आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, सॉरी 16 में मैंने अभी आपको डी बताया, डी होगा। फिर है ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करें? यानी लिक्विडेबल है और फ्लो में बह रहे तरल है, तो किस अग्निशामक यंत्र का इसमें उपयोग करते हैं बताइए? यानी तेल की आग आपको बुझानी है एक तरह से, इसे समझ लो, तो आप किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करोगे? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का, हेलोन एक्सटिंग्विशर का, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का, और कार्बन डाई ऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का, तो बताइए कौन सा होगा इसमें? मैं बोलूँगा ये तेल की आग है, तो आप तेल की आग को क्या करेंगे, पानी तो से बुझाने की, पान डालते तेल ऊपर आता है हमेशा, बुझा नहीं सकते, ड्राई से अपन बुझा नहीं सकते, तो इसको एक कवर करने वाला एक फोम फायर एक्सटिंग्विशर ही होता है जो झाग के रूप में होता है और उसके ऊपर जाके जम जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, फोम फायर एक्सटिंग्विशर।
ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है, यानी जब आप प्राथमिक चिकित्सा करते हैं तो उसमें चार चिन्ह होते हैं ए बी सी, तो इसमें ए बी सी में ए क्या दर्शाता है ये पूछा है इसमें। तो आप इसको एयर में दर्शाओगे, अटेंशन को दर्शाओगे, अरेस्टिंग को दर्शाओगे, या एटमोसफेयर को दर्शाओगे, किसको दर्शाओगे? तो जो ए होता है वो हमेशा एयर वे, यानी एयर वे को आने देना, यानी हवा जब कोई बेहोश होती गिर जाता है तो अपन बोलते हैं अरे हटो हटो सब हटो जल्दी से हवा आने दो, तो पहला जो ए होता है वो हमेशा एयर वे को दर्शाता है। इसका उत्तर होगा ए, एयर वे को दर्शाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, आप बताना जैविक कंपाउंड में, यानी जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मैं मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा क्या है जो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया है और खाद के रूप में इस्तेमाल किया, वो कौन सा है बताओ? लैंडफिल करके, रिसाइकलिंग करके, कंपोस्टिंग करके, अपशिष्ट पदार्थ करके। आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब मैंने जैविक खाद का नाम ले दिया है तो क्या उत्तर हो सकता है। आपने पढ़ा होगा कंपोस्ट खाद, तो ये होगी कंपोस्ट खाद ही होगी, क्योंकि कंपोस्ट खाद सब जानते हैं और ये जैविक खाद ही होती है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसको धरती में मतलब एक साथ दबा के फिर उसका खाद बनाया जाता है। पेड़ पौधों, पत्तियों को, गोबर को, सबको एक साथ डालते हैं और कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। फिर है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। अब यानी प्लास्टिक का कचरा है और आपको इसे डस्टबिन में डालना है, तो आप किस प्रकार के डस्टबिन के कलर वाले डब्बे में डालोगे बताओ? अभी हमने पहले इसके पहले कौन सा पढ़ा था, इसके पहले अपन ने पढ़ा था सूखे कागज़ वाला, कहाँ डाल उसमें, तो अपन नीला कलर, तो इसमें नीला ऑप्शन तो हटा ही देना है अपन को, लाल, हरा और पीला, इन तीन में से बताना है कि कौन सा होगा इसका उत्तर। तो जो प्लास्टिक का जो हमेशा कचरा होता है वो हमेशा पीला कचरा, पीला वाला डब्बा होगा जो कलर का, उसी में आपको प्लास्टिक का कचरा डालना चाहिए। तो अब तक अपने 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलो अपन 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। अब आता है आपका फाइल, फाइल के अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है कि एक फाइल बनी हुई है और इसमें अक्ष के चिन्हित रूप का नाम बताना है। अब फाइल में मैं पार्ट्स के नाम बोल रहा हूँ, आप ये देख सकते हो एक फाइल है, यानी जो आपका जो कटिंग टूल है एक तरह से, और आप इसे क्या काम करते हो, फाइलिंग का काम करते हो। तो पहला ए हील, बी ए टैंग, सी ए फेरूल और डी है फाइल की लंबाई। तो ये चीज़ किसको प्रदर्शित कर रही है आपको वो बताना है। तो ये जो प्रदर्शित कर रही है वो हील को प्रदर्शित करी, जो टैंक के जस्ट आगे वाला भाग बना होता है वो हील होता है, जो यहाँ बना होता है इस भाग को अपन हील बोलते हैं, इस भाग को इसके जो फाइल जो हैंडल में लगा है अंदर भाग इसको अपन टैंक बोलते हैं, इसको अपन फेरूल बोलते हैं और ये टोटल फाइल की लंबाई। तो इस अक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो इसका उत्तर अपना जो होगा वो होगा हील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्राई स्कोर का क्या उपयोग होता है, यानी ट्राई स्कोर है इसका आप क्या उपयोग करोगे। अब ट्राई स्कोर का पता ही है आपको, समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, या सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो मैं समझ रहा होगा आपको समझ में आ गया ये समकोण क्या होता है, एक राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री पे होता है, तो हमेशा ये 90 डिग्री पे ही ट्राइंगल हमेशा आपका ट्राई स्कोर बनाता है, तो ये इसका उत्तर होगा समकोण, यानी एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाले कोण की जांच करने के लिए ट्राई स्कोर का उपयोग अपन लोग करते हैं। फिर है 23वां क्वेश्चन, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, यानी जहरीला मार्किंग मीडिया बताना आपको। पहला वाइट वाश, प्रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर। तो मार्किंग मीडिया तो समझ ही गए होंगे, मार्किंग करने से पहले जो आपके जो जॉब होता है उसकी जो आपका फेस, उसकी जो फेस होता है, सतह होता है, उसके ऊपर एक मार्किंग मीडिया लगाते हैं ताकि अपन जब मार्किंग करें तो उसके ऊपर आसानी से प्रिंट हो जाए, तो वही मार्किंग मीडिया। तो इसमें बताएं ये कौन सा जहरीला मार्किंग मीडिया है, तो वही बताना। तो इसमें जो सबसे जहरीला होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, जो जहरीला होता है जिससे अपन को नुकसान हो सकता है। तो अपन जब मार्किंग करें या मार्किंग मीडिया अप्लाई करें तो अपन को मुंह से इसको दूर रखना चाहिए ताकि अपन को सेफ्टी रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। अब यूनिवर्सल सरफेस गेज तो आपने सबने देखी होगी, जो मार्किंग लाइन खींचने के काम आती है, हमेशा लाइन खींचते हैं, स्क्राइबर रहता है, फिर अपन उसको सरफेस प्लेट पर रख के इधर उधर चला के लाइनिंग खींचने का काम करते हैं, देखा होगा आपने आईटीआई में। तो ये इसका कौन सा हिस्सा जो स्क्राइबर को पकड़ के रखता है उसका नाम बताना है आपको। तो स्नग होता है, गाइड पिन होता है, या रोकर आर्म होता है, या फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो स्नग होगा, क्योंकि जो स्क्राइबर होता है वो हमेशा स्नग के द्वारा ही पकड़ा जाता है। इसका आंसर होगा ए, स्नग। ठीक है,
फिर अगला 25 पर पढ़ेंगे अपन कि इस वॉइस का नाम क्या है। ये तो छोटी सी वॉइस है, हाथ में पकड़ के काम में ली जा सकती है, इसलिए ये तो सिंपल वॉइस मुझे लग रही है, आप समझ ही गए कौन सी। पिन वॉइस तो होनी चाहिए क्योंकि वो राउंड होती है, पाइप वॉइस भी दूसरी होती है जिसमें पाइप पकड़े करते हैं, हैंड वॉइस ही है ये। और क्विक रिलीज हो शीघ्रता से, आप उसमें जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो तुरंत खुल जाती है। तो इसमें देखो प्लाइंग नट लगा है इसके साथ, तो ये जो वॉइस होगी आपकी ये हमेशा हैंड वॉइस के रूप में प्रदर्शित की जाती है। तो इसका आंसर होगा सी, हैंड वॉइस है ये चित्र, ध्यान देख लेना वॉइस का जो चित्र बनाया गया आपके सामने, ये हैंड वॉइस को प्रदर्शित कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 26 नंबर का। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया एग्जाम्पल ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या होगा। आप एग्जाम कर रहे हो एग्जाम समझते हो, काटने आरी से काटते हो जॉब को, वो एग्जामिंग होता है वो कर रहे हो, और आपका जो ब्लेड है वो ढीला हो गया। अब क्या करोगे, क्यों हो गया आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि आप टेक्नीशियन हो। तो आपको इसका उत्तर होगा, आप समझ ही होंगे क्यों ढीला, क्योंकि उसमें नट और जो फ्लाइंग नट रहता है उसकी चूड़ी घिस गई, क्योंकि सिंपल सा है तभी ढीला होता है, बाकी तो वो ढीला होने का कोई ऑप्शन होता नहीं है, या तो वो टूटेगा। तो इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा, ब्लेड का खिंच जाना होगा, ब्लेड की गलत पिच का होना, या जो आपकी सो है उसकी सेट का आपने जो गलत चेंज कर लिया है, या नट के थ्रेड का घिस जाना होगा, यही होगा इसका कारण। बताओ क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, बताइए समझ में आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपके जो नट के थ्रेड का घिस जाना, डी, नट के थ्रेड का घिस जाना होगा, क्योंकि जब नट की थ्रेड घिस गई है तो वो लूज हो जाएगा और आपकी ब्लेड ढीली हो जाएगी। तो इसी वो यही कारण है इसका कि ये जो आपकी नट की थ्रेड है वो घिस गई है, ठीक है। फिर है पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, यानी आप जब पहला कट लगाते हो अंगूठा का सहारा लेके, फर्स्ट कट लगाते हो ना एक छोटा सा, और पतले वर्क पीस को काटते हो उस समय दांते आसानी से टूट जाते हैं, बताओ क्यों टूट जाते हैं। इसका कारण है हाथ बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपका हाथ से बहुत ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं, कटिंग सेक्शन है वो बहुत ही छोटा इसलिए टूट जा रहे हैं, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जा रहा है, या हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही काम कर रहा है। इसका उत्तर आपको बताना है कि क्यों टूट जाते हैं उसके दांते। तो ये हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर, यानी आप जहां अंगूठे से जब निशान बना रहे हो तो आपका बल एक ही जगह होता है, तो आंसर इसका होगा डी, यानी हाथ का जो बल है केवल कुछ दांतों पर ही पड़ रहा है, इसलिए वो दांते वहां से पर्टिकुलर दांते टूट जाते हैं। तो अपन को पूरा एक साथ समदाब देना चाहिए जिससे अपने जो दांते वो टूटे नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन 28 नंबर का। कि कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, यानी कोणा है और जॉइंट्स बने हैं उस पर मटेरियल को चौकोर करना है आपको कोणे से, कैसे करोगे, आप किस छेनी से काटोगे वहाँ की कोणे से, आपका जो मेटल है वो जो तो प्लेट चीजल होगी, क्रॉस कट चीजल होगी, डायमंड पॉइंट चीजल होगी, या हाफ राउंड नोज चीजल होगी। तो हमेशा डायमंड पॉइंट चीजल होती है जो कोणे से आराम से काट सकते, नोक बनी होती है जिसके अंदर, तो इसका आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है। ये जो प्लेट चीजल होगी प्लेट्स पे काटने काम आती, क्रॉस कट किसी कोने पे काटने में काम आती है, और हाफ राउंड नोज गोल चीजों को काटने काम आती है, डायमंड पॉइंट होती है जो आगे से डायमंड के रूप में होती है, और वो किसी कोने से आसानी से किसी मेटल को काट के उसको चौकोर कर सकती है। जैसे आपकी एंगल प्लेट आपने देखा होगा, तो उसका अगर कोना बीच में दोनों का राइट एंगल के बीच में उसके मेटल उठाना है तो आप ये डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर का आपका। एक हैमर दिया है और उसके भाग का नाम बताना है कि हैमर के इस भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या भाग, फेस, पिन पंच, चिक या आई होल, ये है आपके सामने। तो मैं बता देता हूँ फेस किसको बोलते हैं, जो फेस है आपका ये वाला भाग है इसका, फिर पिन पंच ये वाला भाग है, चिक इसका कौन सा है बताओ, ये वाला भाग है अक्ष वाला ही, और फिर आई होल जो हथौड़े का हैंडल जिसमें फिट किया जाता है, ये आई होल का आता है। तो इसका उत्तर होगा सी, चिक वाला भाग होता है जो आपके सामने अक्षीय रूप में प्रदर्शित, इसका आंसर होगा सी। इसके बाद में अगला 30 नंबर का क्वेश्चन है आज के लिए। काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण का प्रदर्शित किया गया, यानी जो अल्फा बीटा और गामा का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है, यानी जो ये जो कोण दिखाया गया है वो किस कोण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो बताओ, मैं बता देता हूँ पहले आपको, रेक कोण, वेज कोण, कटिंग कोण या क्लीयरेंस कोण, बताओ कौन सा कोण होगा इसका आंसर। 30 नंबर के क्वेश्चन में बताना है कि ये कौन सा कोण है, तो मैं बता देता हूँ आपको,
ये आंसर होगा जो होगा वो रेख कोण का होगा। अब मैं सारे कोण बता देता हूँ इसमें कौन कौन से कोण है। इसमें वेज कोण होता है जो ये बनता है यहाँ पे वेज कोण, फिर कटिंग को एंगल होता है जो कटिंग कोण ये होता है अल्फा, फिर है क्लियरेंस एंगल जो यहाँ पे गैप बना होता है ये होता है आपका कटिंग एंगल, क्लियरेंस कोण यानी गैप दोनों के बीच में अंतर ताकि चीज़ें टकराएं नहीं और आसानी से कटिंग करें। तो ये चार कोण है जो अल्फा। अब इस ये रेख कोण क्या होता है, जब आप मेटल काटते हो ना तो जो धातु कट के गोल घूमती है वही आपका रेख कोण है, यानी जिस कोण पे धातु कट के ऊपर घूम जाती है वो आपका रेख कोण कहलाता है हमेशा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व है कि आप मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो ला सकूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और इस वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।